आज से मेरी जिम्मेदारी शुरू, जब तक पूर्णिया को न्याय नहीं मिलेगा, जब तक थाना ब्लॉक के अधिकारी जबरदस्ती मोटेशन और जबरदस्ती पैसा लेके जवाबबंदी करना बंद नहीं कीजिएगा, तो हम आपको जीने नहीं देंगे। और जो लोग बड़ी बड़ी जमीन ले लिए हैं और एक जमीन को 10 आदमी को दे करके पैसा लिए हुए हैं, हम उनसे भी कहेंगे कि 9 आदमी का पैसा लौटा दीजिए और एक आदमी को सही तरीके से जमीन दे दीजिए। हम सबका हिसाब जानते हैं। हिंदुस्तान की जनता कभी अत्याचार को पसंद नहीं करती, जुल्म को पसंद नहीं करती। हिंदुस्तान की जनता कभी भी अन्याय को पसंद नहीं करती। जब जुल्म बढ़ते हैं, अन्याय बढ़ता है, किसी के अधिकार और विचारों पर हमला होता है, किसी के सम्मान, किसी भी जाति वर्ग धर्म विशेष, एक तो सबसे बड़ा दिक्कत क्या है, ऐसा कोई भी अपना नहीं बचा जिस पर भरोसा किया जाए। भरोसा ही इस देश से खत्म हो गया। तो जब भरोसा खत्म हो जाए, विश्वास खत्म हो जाए, तो आम आदमी की जिंदगी कैसे मुस्कुरा पाए, उसकी जिंदगी में खुशियां कहां से आएगी? और जिंदगी का मतलब क्या होता है? एक सब अपनी जिंदगी के लिए खुशियां ढूंढती है, सब अपनी लाइफ के लिए एक रास्ता ढूंढता है। हम आग्रह करेंगे पप्पू और बैठ जाइए, या दलिया जी, चंद कुमार जी, मनोज जी, सब लोग, जिला पार्षद जी दिक्कत में है, इधर आ जाइए, इधर आ जाइए, मेरी बात मान लीजिए, इधर साइड में आ जाइए, अच्छा नहीं लगा। वार्ड काउंसलर साहब ठीक है, मुखिया जी थोड़ा सा डब्लू पी, मैं सिर्फ आज 4-5 लाइन बोलूंगा, प्रेस मीडिया के साथी हैं, आ जाइए एडजस्ट कर जाइए। प्रेस मीडिया, सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, सभी लोग, मैं आभार प्रकट करता हूं कि 9 महीना जो प्रणाम पूर्णिया, सलाम पूर्णिया, फिर वर्कर की बैठक, पहले फिर रैली, फिर एक घटना घटित हुई, इनका साथ आम लोगों के तरह बहुत ज्यादा। देखिए, ये जीत सर्व समाज की है, ये जीत उससे ज्यादा गरीबों की है, ये जीत गरीबों की उम्मीद की है, ये जीत हमें याद है। हम कभी भी इतना चुनाव लड़े, एक बार हम विधायक से चुनाव लड़े थे पूर्णिया, 1200 या 1800 से हम चुनाव हार गए थे। अजीत दा जिंदा थे, वो चुनाव जीत गए थे, हम सिंहेश्वर से हार गए थे, फिर तुरंत एमपी का चुनाव हो गया। जब भी एमपी का चुनाव लड़े, पूर्णिया में हमारी बढ़त नहीं रही। सोचिए कि पहली बार पूर्णिया में हमको बढ़त मिली, पहली बार। 82 में 1 लाख बढ़त थी, कस्बा में 1 लाख बढ़त, 70-80 हजार बढ़त होता था, बनमनखी बढ़त होती थी, धमधा हम निकल होते थे, पूर्णिया में बढ़त नहीं हो पाती। ये जो बढ़त है ना, ये बढ़त है हर जाति के युवाओं पर। पूर्णिया की जनता और कोसी की जनता, सीमांचल की जनता के अलावे कोई नारा नहीं लगेगा, कोई नारा, कोई नारा, सिर्फ आम आदमी का नारा लगे। मुझे बचपन से भी पसंद नहीं है, मैंने ना कभी कुर्ता पुजला से, नोटा से लड़ाई थी, इसीलिए पूर्णिया सीमांचल कोसी को दुनिया का नंबर 1 का जो सपना है,
उसकी शुरुआत आज से ही। मैं आंख बंद करके, डॉक्टर साहब लोग हमारे रिश्तेदार हैं, मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूं, जो पैथोलॉजी, जो दवाई का दुकान, जो छोटे छोटे जगहों से गरीब आदमी को किसी रावण रूपी किसी मतलब डॉक्टर नहीं, नर्सिंग होम में जाके, मैं डॉक्टर को नहीं कह रहा हूं, जाके उसको बलि का बकरा अपने 10,000 रुपया के लिए चढ़ाता है, आज से वो बंद कर दे, या तो मैं रहूंगा या तो डॉक्टर साहब। आप हमारे अपने हैं। आज IIM के सभी लोग, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के सभी लोग हमसे मिले थे, मैंने उनको भरोसा दिया है, आप पूर्णिया की उम्मीद पर खड़े उतरिए, पप्पू यादव डॉक्टर को भगवान की तरह पूजा करें। यदि पूर्णिया की जनता और सीमांचल की जनता के उम्मीद पर आप खड़े नहीं उतरिएगा तो हम आपको पैर भी छुएंगे, लेकिन संविधान के मुताबिक, कानून के मुताबिक आपके साथ हमारा मतभेद रहेगा, मनभेद नहीं रहेगा। हम मतभेद करेंगे, मनभेद नहीं करेंगे। और मतभेद तो विचारों का रहता ही है ना, जरूरी नहीं है मनभेद होना। इसीलिए मैं पूर्णिया के की तरक्की के लिए डॉक्टर साहब लोगों की जो भागीदारी है उसका सम्मान करता हूं। पूर्णिया की तरक्की में कुछ भी नहीं बचा डॉक्टर के अलावा, इसलिए डॉक्टर साहब का सम्मान करता हूं। लेकिन आम आदमी समाप्त हो जाए, रात में हॉस्पिटल में, सदर अस्पताल में, वहां का सिपाही अटेंडेंट को पीटे, छेड़े, वहां के नर्स गाली दे, ये सब आज से ही बंद कर दीजिए। मैं कभी भी जा सकता हूं, मुझे सब पता है, हमको किसी से पूछना नहीं है। आज से मेरी जिम्मेदारी शुरू, जब तक पूर्णिया को न्याय नहीं मिलेगा, जब तक थाना ब्लॉक के अधिकारी जबरदस्ती मोटेशन और जबरदस्ती पैसा लेके जवाबबंदी करना बंद नहीं कीजिएगा तो हम आपको जीने नहीं देंगे। याद रखिए, 20,000-40,000 बाबू के घर से मांगते हैं। मैं खुद देखूंगा मोटेशन और जमाबंदी को। हम आपको रोकने वाले नहीं हैं, लेकिन आपको गलत काम करने नहीं देंगे, ये मेरी जिम्मेदारी है। न्याय मेरी प्राथमिकता, ये आपको विनम्रता देखनी पड़ेगी, वो नहीं है। हर कीमत पे। और जो लोग बड़ी बड़ी जमीन ले लिए हैं और एक जमीन को 10 आदमी को दे करके पैसा लिए हुए हैं, हम उनसे भी कहेंगे कि 9 आदमी का पैसा लौटा दीजिए और 1 आदमी को सही तरीके से जमीन दे दीजिए। हम सबका हिसाब जानते हैं, हमारे पास सबकी डिक्शनरी है। यदि आपको लगता होगा कि पटना में बैठे मुख्यमंत्री आपको बचा लेगा तो पप्पू यादव के रहते किसी बाप की औकात नहीं है आपको बचा लेगा। वो मुख्यमंत्री हो या प्रधानमंत्री, या कोई कमिश्नर हो या कोई कलेक्टर, वो भी कानून संबद्ध काम करेंगे और पप्पू यादव भी कानून संबद्ध ही काम करेंगे। आप कानून के दायरे में रहेंगे तो मेरे लिए पूजनीय और वंदनीय है, आप कानून से अलग हट के आम आदमी को तकलीफ देंगे तो हम एक सेवक हैं। पहली बार इतिहास पूर्णिया के एक आदिवासी 90% पप्पू यादव के लिए पागल था। हर मुसलमानों के घर में दुआएं हो रही थी, हर गरीब आदमी के घर में दुआएं हो रही थी। और जब आग लगी थी फोक्सी बाग, जिसने वोट नहीं दिया वो भी मंदिर जाके कह रहे थे कि पप्पू यादव को जिता दे।
वोट नहीं दिया कोई बात नहीं, लेकिन मेरे लिए भगवान के घर में आशीर्वाद मांगने तो गया ना, मैं कैसे भूल जाऊं? कैसे भूल जाऊं? एक बेटा अपनी माँ को खींचता है फिर भी माँ उससे मोहब्बत करती है, एक बेटा माँ की सेवा करता है, जो सेवा करता है माँ उसको एक बीघा जमीन ज्यादा लिख देती है, लेकिन माँ जो पीटता है उसको भी माँ एक बीघा जमीन कम देके जरूर दी। इसीलिए मैं अपने